अस्याम कक्षायाम समुपस्थितानां समेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अथ च अस्याः कक्षायाः संयोजकेभ्यः धन्यवादान् इति विषयं यथामतिं यथामति प्रतिपादयन्। यथा पूर्वस्मात् विषयः अद्यतनविचारविषयः निर्धारितः वर्तते काव्यभेदविचारः। काव्यभेदविचारविषये बहुभिः आचार्यैः अयं विषयः स्वीकृत्य काव्यभेदविचार इति विषयं स्वीकृत्य बहुधा प्रतिपादितं वर्तते। तत्र प्रमुखाः ये सिद्धान्ताः, जो प्रमुख आचार्य जिन्होंने काव्य भेद पर नई दृष्टि से विचार किया, उन आचार्यों के मत का उन आचार्यों के मत पर विचार करते हुए हम आचार्य आनंद वर्धन से काव्य भेद विचार आरंभ करें। देखिए, काव्य भेद विचार की जो परंपरा है, उस परंपरा में सभी आचार्यों के प्रतिपादित जो काव्य भेद है, उन भेदों के सम्यक परिशीलन से यह ज्ञात होता है सम्यक रूप से कि हम इस काव्य भेद विचार को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक आनंद वर्धन से पूर्व का काव्य भेद विचार और दूसरा आनंद वर्धन का से पश्चातवर्ती जो काव्य भेद विचार। इस काव्य भेद विचार पर कुछ कहने से पूर्व इस भेद शब्द पर कुछ कहना चाहता हूं। यह जो भेद शब्द है, यहां किस भेद की बात में कही, तो जो भेद शब्द है वह भिद धातु से घई प्रत्यय करके निष्पन्न, और यह घई प्रत्यय भाव में और करण दोनों प्रकार से कहा जा सकता है। तो यहां भाव घयंत भिद शब्द समझना है अथवा करण घयंत। जब भाव घयंत करते हैं आप, तो अर्थ होता है भेदनम भेद, भेदनम भेद। और जब हम भेदनम भेद का अभिप्राय है विभाग, काव्य का विभाग। और जब आप करण व्युत्पत्ति करेंगे इसकी, तो होगा भिद्यते अनेन इति। तो यह जो विद्यते अनेन इति भेद, जो करण व्युत्पत्ति से अर्थ है, उसका अभिप्राय है जो अन्य शास्त्रों से इसको पृथक करता है ऐसा, तो वह तो ध्वनि इत्यादि है, उस पर यहाँ विचार नहीं किया जाना है। आज हमारा विचार का विषय है काव्य भेद से भाव घयंत जो शब्द है, भेद शब्द, वह स्वीकार करके यहाँ काव्य के
विभाग पर विचार करने के लिए हम लोग समुपस्थित। तो आइए एक सामान्य विचार करते हैं पूर्वाचार्यों द्वारा प्रतिपादित काव्य भेद पर। तो काव्य भेद पर विचार की जो परंपरा है हम भामह से आरंभ करेंगे। तो देखिए मैं कह रहा था कि काव्य भेद जो है वह आचार्य आनंद वर्धन से पूर्व का काव्य भेद और आचार्य आनंद वर्धन के पश्चादवर्ती का। तो ऐसा विभाग मैंने क्यों किया? वह विभाग इसलिए कि विभाग जो काव्य के भेद है वह भेद में दो दृष्टियां दृष्टिगोचर होती है। एक विभाग की दृष्टि है काव्य की बाह्य संरचना, काव्य की बाह्य संरचना को आधार बनाकर मूल में रखकर जो काव्य का विभाग, और दूसरी दृष्टि है व्यंग्य के प्राधान्य अप्राधान्य से काव्य का विभाग। तो हमारे सामने दो दृष्टियां हैं काव्य के विभाग में, कि एक तो जो भेदक तत्व है मूल में वह है काव्य की बाह्य संरचना, और दूसरा व्यंग्य के प्राधान्य अप्राधान्य। तो आचार्य भामह से लेकर आचार्य आनंद वर्धन के पूर्व तक के जो आचार्य हैं उन्होंने काव्य भेद के मूल में काव्य की बाह्य संरचना को, काव्य की बाह्य संरचना को दृष्टि में रखकर काव्य भेद प्रतिपादित। तो देखते हैं प्रथमतः आचार्य भामह के काव्य भेद पर सामान्य दृष्टि डालते हैं। तो देखिए आचार्य भामह ने काव्य के बाह्य स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए काव्य के चार विभाग कहे हैं। काव्य के बाह्य स्वरूप को ध्यान में रखते हुए आचार्य भामह ने काव्य के चार विभाग कहे हैं। प्रथमतः जो विभाग किया उन्होंने काव्य का वह छंद की दृष्टि से, दूसरा जो विभाग किया उन्होंने वह भाषा की दृष्टि से, तीसरा जो विभाग किया उन्होंने वह तीसरा जो विभाग किया उन्होंने प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से, और चौथा जो विभाग किया उसे हम प्रकारांतर से कह सकते हैं, चूंकि उसके विभाग का कोई नियत अनुपात नहीं रखा गया तो इसलिए उसे हम प्रकारांतर से कह सकते हैं। तो पहला जो विभाग है, देखिए छंद की दृष्टि से जो काव्य का विभाग उन्होंने आचार्य ने किया तो वह है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। यह कहकर छंद को ध्यान में रखकर आचार्य ने काव्य का विभाग प्रस्तुत। तो काव्य के दो विभाग हैं, छंदोबद्ध जो रचना वह पद्य काव्य है, छंद रहित जो रचना वह गद्य का। इस प्रकार से छंद रहित गद्य, छंदोबद्ध पद्य, गद्य और पद्य के भेद से दो विभाग आचार्य ने प्रस्तुत। तो प्रथम विभाग छंद की दृष्टि से, पहला गद्य, दूसरा पद, छंदोबद्ध रचना पद्य है और छंद रहित जो रचना है वह गद्य। तो छंद की दृष्टि से हो गया। दूसरा जो विभाग आचार्य ने किया है वह भाषा की दृष्टि। तो
तो भाषा की दृष्टि से काव्य के तीन भेद आचार्य भामा ने कहे हैं। एक संस्कृत भाषा का जो बाहुल्य आधिक्य है वह संस्कृत काव्य, प्राकृत भाषा का बाहुल्य वह प्राकृत काव्य, और अपभ्रंश भाषा अपभ्रंश बाहुल्य जो काव्य है वह अपभ्रंश काव्य। इस प्रकार से संस्कृतम प्राकृतम चान्यत अपभ्रंशमिति त्रिधा। तो संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश के भेद से यह जो भाषा के भेद को दृष्टि में रखकर काव्य के तीन विभाग, तो भाषा की दृष्टि से काव्य के तीन विभाग, संस्कृत काव्य, प्राकृत काव्य और अपभ्रंश काव्य। तो तीन प्रकार के विभाग आचार्य ने प्रस्तुत, संस्कृत काव्य, प्राकृत काव्य और अपभ्रंश। पुनः आचार्य ने प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से काव्य के भेद किए। तो प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से जो काव्य भेद किए हैं उसमें कहते हैं आचार्य, वृत्त वेदादि चरितान संसि चोत्पाद्य वस्तु च कला शास्त्रास्त्रयम् चेति चतुर्था विद्यते पुनः। तो प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से आचार्य ने काव्य के चार विभाग, वृत्त वेदादि चरिता संस प्रथम विभाग, द्वितीय विभाग उत्पाद्य वस्तु, तृतीय विभाग कलाश्रय और चतुर्थ विभाग शास्त्राश्रय। तो चार प्रकार का काव्य आचार्य ने कहा। काफी समस्या आ गई थी, अस्तु अत्र काफी समस्या आगता वर्तते, अतः अनेन माध्यमेन न भवितुं शक्नोति, साक्षात् व्याख्यानमेव। तो काव्य के विषय वस्तु प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से आचार्य ने काव्य के चार विभाग प्रस्तुत किए। पुनः प्रकारांतर से काव्य के पांच विभाग आचार्य भामह ने किए हैं, सर्गबंध, अभिनेयार्थ, आख्यायिका, कथा, अनिबद्ध। ये पांच भेद आचार्य ने काव्य के प्रकारांतर से कहे। तो इस प्रकार से आचार्य भामा का जो काव्य विभाग जो है वह पूरी तरह से काव्य की बाह्य संरचना प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से, यह जो प्रतिपादन है वह थोड़ा बहुत अंतर करके अन्य आचार्यों ने प्रतिपादित किया है। वह वस्तुतः बाह्य स्वरूप को ही दृष्टि में रखकर है। आचार्य आनंदवर्धन पर्यंत जो
काव्य भेद का जो विचार है वह बाह्य स्वरूप बाह्य संरचना को देखकर है, अंतस्तत्व तत्व को आत्म तत्व को देखकर यह विभाग नहीं है। तो इस पर हर आचार्य के मत को उपस्थापित करना समय को देखते हुए संभव नहीं है। अतः आचार्य आनंद वर्धन से हम काव्य भेद पर विचार आरंभ करते हैं। आचार्य आनंद वर्धन ने जो काव्य का भेद कहा है वह व्यंग्य को ध्यान में रखकर कहा है। ध्वनिकार आचार्य आनंद वर्धन व्यंग्य के आधिक्य में, व्यंग्य के गुड़ी भाव में और व्यंग्य में कवि की दृष्टि न होकर अलंकार योजना मात्र के स्थल पर जो काव्य का भेद कहा वह तृतीय भेद। तो इस प्रकार से आचार्य आनंद वर्धन ने काव्य के तीन भेद कहे, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य। तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य और ध्वनि काव्य, प्रथम ध्वनि काव्य और गुणीभूत व्यंग्य काव्य, और तृतीय जो भेद कहा उन्होंने वह गुणालंकार के प्राधान्य स्थल पर व्यंग्य में कवि की दृष्टि जहां पर न हो वहां तृतीय भेद का कहा। यही प्रतिपादन भाषा की दृष्टि से वैविध्य कर आचार्य मम्मट भट्ट का भी, आचार्य मम्मट भट्ट जो है वे भी काव्य के तीन विभाग प्रतिपादित कर, चूंकि काव्य प्रकाश सभी के अध्ययन पाठ्यक्रम में रहता है इसलिए आज हम विस्तार से चर्चा जो करेंगे वो काव्य प्रकाशकार के मत पर ही विचार। आचार्य मम्मट भट्ट ने काव्य के तीन विभाग जैसा कि आनंद वर्धन से आरंभ होता है किए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो उत्तम काव्य है उसको ध्वनि काव्य, मध्यम काव्य को गुणीभूत व्यंग्य काव्य और जो अधम काव्य उसको आप अवर काव्य अथवा चित्र काव्य कह सकते। तो इस प्रकार से जहां पर व्यंग्य का प्राधान्य हो वाच्य की अपेक्षा वह उत्तम काव्य ध्वनि काव्य है, जहां पर व्यंग्य वाच्य की अपेक्षा अतिशय चमत्कारकारी न हो, वाच्य की अपेक्षा अनतिशय हो वहां पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य, और तृतीय भेद जहां पर व्यंग्य में कवि की दृष्टि न हो अलंकार योजना में कवि की दृष्टि वह अधम का, वहां व्यंग्य का अभाव है ऐसा नहीं कहना, जहां पर व्यंग्य में कवि की दृष्टि न हो व्यंग्य तो होगा ही, अब व्यंग्य जो है वह काव्य ही नहीं है, तो व्यंग्य तो होगा ही परंतु वह व्यंग्य में कवि की दृष्टि जहां पर न हो वह अधम काव्य, अवर काव्य, चित्र काव्य। इस प्रकार से तीन विभाग कहे, अब इनके लक्षण क्या कहे हैं आइए इन पर विचार। तो जो प्रथम काव्य कहा उत्तम काव्य उसका आचार्य मम्मट भट्ट लक्षण कहते हैं, इदम उत्तम अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्याध्वनिर्बुधैः कष्टः। इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनि बुधई कष्टः। तो इदम काव्यम उत्तमम, यह जो काव्य है वह उत्तम है। कौन सा काव्य उत्तम है?
तो कहा वाच्यात अतिशय व्यंग्ये अतिशयिनी, वाच्यात व्यंग्ये अतिशयिनी, वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य का अतिशय। अब अतिशय का क्या अर्थ है यहाँ पर, तो वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य जो है वह अधिक चमत्कार जनक। अतिशय का अभिप्राय है वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य जहां अधिक चमत्कार जनक हो वह काव्य उत्तम कहलाएगा। अब यहां जो वाच्यात जो शब्द है वह वाच्य लक्ष्य दोनों का बोधक, यहां जो वाच्य शब्द है वह वाच्य लक्ष्य दोनों का बोधक है। किस प्रकार से, जहां वाच्य लक्ष्य की अपेक्षा, वाच्य अर्थ लक्ष्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ जो है अतिशय चमत्कार जनक हो वह काव्य उत्तम कहलाए। अब यहां एक बात कह दी आचार्य ने, यह जो है ध्वनि बुधई ही कथित, बुधई ही जो है उसकी व्याख्या स्वयं आचार्य भट्ट ने कही है, बुधैर वैयाकरण, बुधई ही वैयाकरण ही, तो बुधई ही पद से वैयाकरण अर्थ लेना है, व्याकरण शास्त्र के जो ज्ञाता है वो अर्थ लेना है। तो वैयाकरणों ने ध्वनि शब्द का व्यवहार कहाँ किया है, तो देखिए जो ध्वनि शब्द का वैयाकरणों ने व्यवहार किया है व्यंग्य व्यंजक भाव, व्यंग्य व्यंजक संबंध में, व्यंग्य व्यंजक भाव संबंध में ध्वनि का, ध्वनि पद का व्यवहार किया है, उसी व्यंग्य व्यंजक भाव को लेकर, व्यंग्य व्यंजक भाव के साम्य से आलंकारिकों ने भी व्यंग्य व्यंजक भाव में ध्वनि का व्यवहार किया। तो कहां पर वैयाकरणों ने व्यंग्य व्यंजक भाव में ध्वनि शब्द का व्यवहार किया है, आइए देखते हैं। जब हम कहते हैं कि जो वर्ण है वो आशु विनाश, प्रथम क्षण में उत्पन्न हुए, द्वितीय क्षण में स्थिर रहे और तृतीय क्षण में ध्वंस, तो जब तृतीय क्षण में ध्वंस हो जाता है वर्ण का तो वर्ण समुदाय नहीं बन पाएगा, और अर्थ का जो वाचक होता है वह वर्ण समुदाय होता है, वर्ण मात्र नहीं, जो वर्ण समुदाय होता है वह अर्थ का वाचक होता है, तो वर्ण समुदाय बनेगा, वैखरी ध्वनि से जो उच्चरित जो वर्ण है वह प्रथम क्षण में उच्चरित होकर द्वितीय क्षण में स्थिर रहकर तृतीय क्षण में ध्वंस हो जाता है, तो ऐसी दशा में वर्ण समुदाय नहीं होगा, जब वर्ण समुदाय नहीं होगा तो वर्ण मात्र को वाचक नहीं माना जा सकता, नहीं तो अन्य वर्ण उच्चारण व्यर्थ हो जाएगा, तो ऐसी दशा में वर्ण समुदाय कैसे बने। तो वहां पर शास्त्रकारों ने विचार किया कि जो वैखरी ध्वनि से उच्चरित वर्ण है हमारे हृदय देश में संस्कार रूप में समस्त वर्ण विद्यमान है, और उन समस्त जो वर्ण विद्यमान है हृदय देश में उनको वैखरी ध्वनि से उच्चरित जो वर्ण है वह कर्ण प्रदेश से होता हुआ हृदय देश में विद्यमान वर्णों को प्रकाशित करता है, और वह प्रकाशित होते हुए वर्ण समुदाय बनता है हृदय देश में, और वही अर्थ वर्ण समुदाय अर्थ का वाचक। तो यहां पर उस वैखरी ध्वनि से उच्चरित जो वर्ण है उसने कर्ण प्रदेश से होकर हृदय देश में संस्कार रूप में विद्यमान वर्ण को प्रकाशित, और वह प्रकाशित हुआ जो वर्ण समुदाय है वह अर्थ का वाचक। तो अर्थ को जो कहने वाला है,
अर्थ के प्रत्यायन में जो अर्थ प्रत्यायन रूप फल का जो उत्पादक है वह जो है शब्द, हृदय देश में विद्यमान जो शब्द है वही प्रधान। तो आचार्य जो आचार्य मम्मट भट्ट की वहां जो कारिका का जो वृत्ति भाग में व्याख्या की है उन्होंने कहा है कि प्रधान वैयाकरणों ने कहा ध्वनि का व्यवहार किया है तो कहा प्रधान भूत स्फोट रूप व्यंग। प्रधान जो प्रधान भूत जो स्फोट, तो प्रधान भूत प्रधान क्यों है उसमें, स्फोट में प्रधान क्यों है, क्योंकि वह अर्थ प्रत्यायन रूप फल का उत्पादक है इसलिए वह स्फोट प्रधान। तो स्फोट है क्या, स्फुटयति अर्थ अर्थम प्रकाशयति स्फोट, तो जो अर्थ को जो प्रकाशित करता है वह स्फोट है, प्रधान भूत जो स्फोट है उस प्रधान भूत स्फोट के स्फोट जो व्यंग है उस व्यंग का जो व्यंजक प्रधान भूत स्फोट रूप व्यंग व्यंजकस्य व्यंजक जो शब्द है इन दोनों के मध्य जो है व्यंजक जो शब्द है उस शब्द में ध्वनि का व्यवहार आचार्यों ने वैयाकरणों ने किया है। तो वैयाकरणों के जो व्यंग व्यंजक भाव में ध्वनि का जो व्यवहार किया है उसी व्यंग व्यंजक भाव को लेकर उसी संबंध में ध्वनि का व्यवहार आचार्य आलंकारिक भी करते हैं। आलंकारिक कैसे करते हैं, तो देखिए आलंकारिकों के यहाँ जो ध्वनि है वहां शब्द जो है वह अपने अर्थ को गौण बनाते और जो अर्थ है वह अपने स्वरूप को गौण बनाते, अर्थात दोनों गौण बनाते हैं, शब्द अपने अर्थ को, अर्थ अपने स्वरूप गौण बनाकर उस चमत्कारकारी अर्थ को जो व्यक्त करते हैं वहां पर ध्वनि कहलाते उसे ध्वनि। तो यहाँ शब्द और अर्थ दोनों गौण हो जाते हैं, शब्दार्थ दोनों गौण होकर उस अर्थ को व्यक्त करते हैं, व्यंजनापत्ति से कहते हैं, वहां ध्वनि पद का व्यवहार आलंकारिकों ने किया। इस प्रकार से यह लक्षण पूर्ण हुआ। इसका उदाहरण कहा है आचार्य ने, निशेषश्चित चंदन स्तन तटम निर्मृष्ट रागोधरु नेत्रे दूर मनंजने पुलकिता तन्वी तवेयम तनु मिथ्यावादिनी दूति बांधव जनस्याज्ञात पीडागमे वापीम स्नातुमितो गतासिन पुनस्तस्याधमस्यांतिकम। तो इस संपूर्ण श्लोक को आप लोग वहां ग्रंथ से देख लेंगे। यहाँ जो व्यंग्य का स्थल है उस पर हम यहाँ विचार करें, इसकी जो अंतिम दो लाइनें हैं उन पर हम विचार करेंगे। मिथ्यावादिनी दूति बांधव जनस्याज्ञात पीडागमे वापीम स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्। यह वस्तुतः उत्तम प्रकृति की जो नायिका है उसके द्वारा कहा गया यह वाक्य है। अपनी जो सखी है, नायिका की जो सखी है दूती, दूती वस्तुतः है वह दूती लेकिन उसकी तरह वह सखी की तरह आचरण करती है उसके साथ, उस दूती के साथ सखी की तरह आचरण करती है उसके प्रति यह उत्तम नायिका की उक्ति है। वस्तुतः यह प्रसंग है नायक जो है वह नायिका से रुष्ट होकर कहीं अन्यत्र चला गया और उस नायक को मनाने के लिए दूती जाती है, तो उस संदर्भ में यह कह रही है नायिका कि इतः बांधव जनस्याज्ञात पीडागम, बांधव जन की अपने बंधुओं की पीड़ा को न समझने वाली आई दूती, इतः यहां से वापीम स्नातुम गतास, तुम वापी में स्नान करने चली गई, न पुनः तस्य अधमस्य अंतिकम, पुनः उस अधम के समीप नहीं। तो यहां पर देखिए नायिका के द्वारा अपने पति के लिए अधम पद का
तो अधम पद जो है वह उत्तम जो प्रकृति की नायिकाएं होती हैं वे अपने पति के लिए अधम पद का प्रयोग नहीं करती। यह जो अधम पद का प्रयोग किया गया है वह पूर्वकृत अपराध के लिए नहीं, उस नायक जो पूर्व में अपराध करके वियुक्त हुए थे दोनों उस अपराध के लिए नहीं। यदि उस अपराध के लिए होता तो वह पुनः उसको भेजने मनाने के लिए नहीं भेजता। अतः पुनः इसने अपराध किया है, वह अपराध क्या है कि तुम यहाँ से उस मेरे जो पति है उस पति के पास रंतुम गता रमण करने के लिए गई थी। यह प्रधान से व्यक्त अधम पद से, अधम पद के प्रयोग से। तो इस प्रकार से अधम पद के प्रयोग से नायिका के द्वारा वह नवीन अपराध जो उसने किया है उसके लिए यह अधम पद प्रयोग है। अतः तुम उस पति उस तदंतिकम एव रंतुम गता उसके समीप रमण करने के लिए गई न पुनः वापी में स्नान तुम न गतासी वापी में स्नान करने नहीं गए। यह अर्थ दे। तो इस प्रकार से व्यंग्य का जहां पर प्राधान्य हो, व्यंग्य का अतिशय हो, जहां व्यंग्य अत्यधिक वाच्य और लक्ष्य की अपेक्षा अधिक चमत्कार जनक वह काव्य उत्तम काव्य कहला। अब जो द्वितीय काव्य उसकी उसका लक्षण आचार्य गम्मट भट्ट कहते हैं, अतादृश गुणी भूत व्यंग्यम व्यंग्ये तुमत्यवम। अतादृश गुणी भूत व्यंग्यम व्यंग्ये तुमत्यवम। तो अतादृश देखिए तादृश न तादृश अतादृश। तो तादृश क्या था? तो वाच्य लक्ष्य की अपेक्षा व्यंग्य का अतिशय। और अतादृश मतलब वाच्य लंग व्यंग्य की अपेक्षा वाच्य लक्ष्य की अपेक्षा व्यंग्य का अनतिशय। यह हो गया अतादृश। अर्थात जहां पर वाच्य लक्ष्य की अपेक्षा व्यंग्य का अनतिशय वह जो काव्य है वह मध्यम काव्य गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहलाए। अब देखिए वाच्य लक्ष्य की अपेक्षा व्यंग्य का अनतिशय। अनतिशय का मतलब अतिशय न हो। यह अतिशय न होना दो प्रकार से, एक तो वाच्य लक्ष्य के समान अर्थात वाच्य लक्ष्य के समान चमत्कार जनक व्यंग्य। जितना वाच्य लक्ष्य चमत्कार जनक हो उतना ही व्यंग्य भी चमत्कार जनक। तो यहां पर वो भी अतादृश कहलाएगा। और जब व्यंग्य वाच्य लक्ष्य की अपेक्षा न्यून चमत्कारकारी तो वहां भी अतादृश ही कहलाए। तो वह दोनों प्रकार के जो है भेद वे गुणीभूत व्यंग्य के अंतर्गत आएंगे। जहां व्यंग्य वाच्य लक्ष्य के समान हो अथवा जहां व्यंग्य वाच्य लक्ष्य से न्यून हो, ऐसे जो उदाहरण हैं वे मध्यम काव्य गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहलाए। तो देखिए अब जो वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य में न्यून हो, व्यंग्य न्यून चमत्कारकारी, उसका उदाहरण आचार्य ने ग्रंथ में दिया है। ग्राम तरुणम तरुण्या नव मंजुल मंजरी सनातनम पश्यंत्या भवति मुहुर नितराम मलिना मुखच्छाया। यह आचार्य ने व्यंग्य के न्यूनता में यह उदाहरण दिया। और व्यंग्य जहां पर वाच्य और लक्ष्य के तुल्य समान कोटि वहां का उदाहरण है। वहां ग्रंथ में भेद के निरूपण के प्रसंग में नहीं आया है, अन्यत्र आचार्य ने इसका उदाहरण दिया है।
ब्राह्मणातिक्रम त्यागो भवतामेव भूतये जाम दग्न्यस्तथा वो मित्रमन्यथा दुर्मनाय। यह वाच्य अथवा लक्ष्य से न्यू तुल्य हो व्यंग समान कोटि व्यंग वह जो है वह कहलाएगा मध्यम। अब तृतीय जो भेद किया आचार्य मम्मट भट्ट ने वह है अवर काव्य अधम काव्य जिसे चित्र काव्य भी कहा। तो तृतीय जो भेद है उसकी कहते हैं उसके विषय में कि शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम त्वरम स्थितम। शब्द चित्र वाच्य चित्र जो है वह अवर काव्य कहलाएगा और वहां क्या होगा तो कहा अव्यंग्यम। तो यहां पर जो अव्यंग्यम है वहां इस नई का अर्थ है कवि विवक्षा विरहित, अर्थात कवि की दृष्टि व्यंग्य के प्रतिपादन में नहीं अपितु कवि की दृष्टि अलंकार योजना में। अब ऐसा अर्थ क्यों किया यहाँ पर साफ स्पष्टतया अभाव अर्थ किया जा सकता है तो उसकी व्याख्या में आचार्य मम्मट भट्ट ने स्वयं कहा कि चित्रम इति गुणालंकार युक्तम। चित्र काव्य कौन कहलाएगा तो कहा गुण और अलंकार से जो युक्त होगा वह चित्र काव्य। तो गुणालंकार से युक्त जो काव्य है वह चित्र काव्य है। तो देखिए जो गुण है वह रस का और रस नहीं होगा तो गुण नहीं होगा और रस जो होता है वह स्वप्न में भी वाच्य नहीं होता। रसः स्वप्ने अपि न वाच्यः, रस स्वप्न में भी वाच्य नहीं होता। ऐसी दशा में गुण की स्थिति होगी तो रस की स्थिति होगी ही और रस की स्थिति होगी तो रस जो है वह व्यंग ही हो होता है। इसलिए अव्यंग से यहाँ पर व्यंग्य का अभाव अर्थ नहीं लिया। तो अव्यंग से व्यंग्य में कवि की दृष्टि न और यह जो व्यंग्य में कवि की दृष्टि न रहने पर काव्य है वह चित्र काव्य कहलाएगा और वह चित्र काव्य शब्द चित्र और वाच्य। शब्द चित्र मतलब शब्दालंकार प्रधान जहां पर है वहां शब्दालंकार का प्राधान्य है वह शब्द चित्र कहलाए और जहां पर अर्थालंकार का प्राधान्य है वह अर्थ चित्र कहलाए। इस प्रकार से शब्द चित्र और अर्थ चित्र ये जो है ये चित्र काव्य अवर काव्य अधम। शब्द चित्र के उदाहरण में आचार्य मम्मट भट्ट ने जो उदाहरण दिया त्वच्छन्दोच्छल दच्छ कच्छ कुह रच्छाते तराम्बुच्छटा मूर्छन् मोह महर्षि हर्ष विहितस्नाहनाधिकाहनाय वः विद्या दुद्युदार दर दुर्दरी दीर्घा दरिद्रुम द्रोहो द्रेक महोर्मी मे दुर्मदा मंदाकिनी मंदताम। यह जो उदाहरण है यह शब्द चित्र का उदाहरण है। इस उदाहरण में देखिए वर्ण की आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति है और वर्ण की आवृत्ति जो है वह अलंकार का। जरा देखिए यहाँ पर यही समझना है कि अनुप्रास जो यहाँ पर अलंकार है, अनुप्रास जो अलंकार है उसमें शब्द से ही उसका लक्षण नहीं। तो देखिए अनुप्रास में जो अन है अनु उपसर्ग और प्रा उपसर्ग पूर्वक आस, तीन चीजें हैं इसमें अनु प्रा और आस। अनु का अर्थ है अनुगत, अनुगत अर्थात अनुकूल। किसके अनुकूल? रसानु, रसानुगत, रस के अनुकूल। प्रा का अर्थ है प्रकृष्ट, प्रकृष्ट प्रकृष्टंत प्रकृष्टत्वंच केन धर्म है, प्रकृष्टत्व कैसा किस धर्म से प्रकृष्टत्व। तो कहा
अनति व्यवहित अधिक व्यवधान का और आस का अर्थ है आवृत्ति आस न्यास आवृत्ति तो रसानुकूल अनति व्यवहित वर्ण आवृत्ति वर्ण से यहां पर व्यंजन वर्ण लेने हैं स्वर अगर हो जाती है आवृत्ति व्यंजन के साथ तो अच्छा ही है नहीं तो व्यंजन वर्ण की आवृत्ति ही अनुप्रास तो यहाँ पर देखिए रसानुकूल आवृत्ति ही अनुप्रास है अर्थात यहाँ कोई न कोई रस और वह रस है तो स्वाभाविक है कि वह रस व्यंग ही है तो व्यंग क्या है यहाँ पर तो इसमें कवि जो है वह स्तुति में गंगा की यह किया गया श्लोक है तो इस श्लोक में कवि निष्ठ भगवत विषयक गंगा विषयक जो देवता विषयक जो रति है वही व्यंग तो व्यंग का अभाव नहीं अपितु व्यंग की योजना में कवि की दृष्टि नहीं है वह वर्ण योजना में ही कवि और अर्थ चित्र का उदाहरण आचार्य ने दिया है विनिर्गतम मानदमात मंदिरा इस प्रकार से काव्य के तीन विभाग जो किए हैं आचार्य मम्मट भट्ट ने वह पूरी तरह से आचार्य आनंद वर्धन के का अनुकरण ही अब इस काव्य विभाग में एक नई दृष्टि आचार्य पंडित राज जगन्नाथ ने दी है उन्होंने चमत्कार को दृष्टि में रखकर काव्य का विभाग किया और काव्य के चार विभाग उत्तमोत्तम उत्तम मध्यम तथा अधम इस प्रकार से चार विभाग तो विचार का बहुत सारा विषय है समय बहुत न्यून है अभी इन लक्षणों पर बहुत सारा विचार जो मैंने एक सामान्य दृष्टि से विचार किया उन लक्षणों पर बहुत विचार बाकी है एक पूरी परंपरा का विचार था जिसे हमने छोड़ दिया क्योंकि समय न्यून है आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ धन्यवाद हरिओम हाँ किसी को यदि कोई जिज्ञासा है तो अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं हाँ अच्छा किसी ने हैंड रेस किया है हेलो हाँ दास कुमार राज कुछ पूछना चाहते हैं हाँ अनम्यूट करके पूछे जी गुरु जी प्रणाम प्रणाम बोलिए गुरु जी पूछ रहे थे काव्य के जो तीन भेद किए हैं उसमें रसवद अलंकार किस काव्य में आएगा देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि मैंने पूरा विचार नहीं किया है जी समझना ये है कि जो जो तृतीय भेद द्वितीय भेद और तृतीय भेद जो गुणी भूत व्यंग्य काव्य और अलंकार अलंकार प्रधान दोनों में समझने की बात यह है कि जो रसवद अलंकार उनमें होता क्या है वस्तुतः जब अलंकार का प्राधान्य होता है तो अलंकार प्रधान काव्य कहलाता है जब रस का प्रधान होता है प्राधान्य होता है तो वह रस प्रधान काव्य कहलाता है उत्तम काव्य अब यह जो रसवद अलंकार की स्थिति जी ये बहुत सारे ऐसे अलंकार हैं जिन अलंकारों में वस्तुतः भामह इत्यादि जो है अलंकारिक
वह रस से अनभिज्ञ थे ऐसा नहीं, वह रस को जानते थे, लेकिन रस को जानते हुए भी उस रस का भी अलंकार में अंतर्भाव मान। तो जो ऐसे काव्य वह पूरे के पूरे अधम काव्य में नहीं कहेगा। उनमें से कुछ ऐसे भी काव्य हैं जो मध्यम कोटि में आते हैं, और कुछ ऐसे काव्य हैं जो अधम कोटि। अब यहां विचार का विषय यह है कि देखिए, व्यंग्य दो प्रकार के, एक पार्यंतिक व्यंग्य, एक आंतरालिक व्यंग्य। तो यहां जो पार्यंतिक व्यंग्य है उसके उत्कर्ष और अनुत्कर्ष में उत्तम और मध्यम काव्य का ध्यान, जरा समझना इसको, कि जो पार्यंतिक व्यंग्य है उस पार्यंतिक व्यंग्य की उत्कृष्टता में उत्तम काव्य और अनुत्कृष्टता में मध्यम काव्य। अब यह पार्यंतिक जो व्यंग्य है वो जिस कोटि में जा रहा है वह रसवद अलंकार वहां चलते हैं, उसमें जा रहे हैं जी, भाग के अंतर्गत उसको रखा है। जैसे आप प्रथम उदाहरण में ही देख लीजिए, वहां भी दो व्यंग्य हैं, जो उदाहरण मैंने दिया निस्तेष चंद्र अस्तम तकम लेखो, इसमें दो व्यंग्य, तदंतिकम एव रंतुम गतास, उसी के पास रमण करने के लिए गई, यह आंतरालिक व्यंग्य। और पार्यंतिक जो व्यंग्य है, सॉरी मैंने एक त्रुटि वशात मैंने कुछ गलत कह दिया, भाषा में थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा, यह जो आंतरालिक व्यंग्य है उस आंतरालिक व्यंग्य के उत्कर्ष अनुत्कर्ष में काव्य का विभाग, पार्यंतिक व्यंग्य में नहीं, आंतरालिक व्यंग्य के उत्कर्ष और अनुत्कर्ष में काव्य का विभाग। तो देखिए इसमें दो व्यंग्य है, एक है तदंतिकम एव अरंतुम गतास, यह आंतरालिक व्यंग्य, और विप्रलंब श्रृंगार है, यहां देखो वियुक्त है वह नायिका उससे, तो विप्रलंब श्रृंगार भी व्यंग्य। तो जो आंतरालिक व्यंग्य है, जो तदंतिकम एव अरंतुम गतासी, उसके उत्कर्ष और अनुत्कर्ष में यहां पर काव्य का विभाग है। ऐसे काव्य जहां पर उत्तर आंतरालिक व्यंग्य का उत्कर्ष है वह काव्य उत्तम में चला जाएगा, जो जहां पर आंतरालिक व्यंग्य का अनुत्कर्ष है वह काव्य मध्यम में आएगा, और अलंकार प्रधान जो काव्य है रसवद अलंकार में भी वो अधम काव्य। इसका स्फुट अगर विभाग समझना हो तो मुझे लगता है कि आचार्य पंडित राज जगन्नाथ के काव्य विभाग को देखना चाहिए। जी जी, नेक्स्ट वीर सनातन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी पूछिए। जी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। प्रतिपादे गए शुक्ला जी, भामा के काव्य के बाह्य स्वरूप को रखे हुए चार भेद जो थे, इसमें छंद की दृष्टि, भाषा की दृष्टि, प्रतिपाद की दृष्टि से जो पहला भेद था वृत्त भेदादि चरित, दूसरा था उत्पाद्य वस्तु, और तीसरा क्या था? कहा ये जो प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से आचार्य भामह का जो विभाजन था। हाँ हाँ, तो पहला था और दूसरा था उत्पाद्य वस्तु जी, और तीसरा था कलाश्रय। कलाश्रय क्या है? कला को आश्रय रखकर जो काव्य बनाए गए, कलाएं जो है उन कलाओं को विचार में रखकर जो काव्य निर्माण किए गए वे जो है कलाश्रय कहलाते। 64 कलाएं हैं, उन कलाओं को देखकर जो काव्य निर्माण किए गए उनकी। अच्छा, उसका क्या एग्जांपल है? अब उदाहरण वगैरह देखिएगा, अभी मैंने इसको ठीक से देखा नहीं है। अच्छा, भामा हमारे अध्ययन अध्यापन में नहीं है, एक विभाग को दृष्टि में रखकर मैंने विभाग प्रतिपादन किया है। और ये एक चीज और था, वाच्य शब्द का जो दो भेद आपने किया, एक लक्ष्य, दूसरा क्या था? भेद नहीं किया मैंने, तो वहां जो वाच्य शब्द है वह लाच, लक्ष्य और व्यंग्य दोनों के लिए आया।
अच्छा वहाँ वाच्य से वाच्य ही नहीं लेना। अच्छा अच्छा हाँ, वाच्य लक्ष्य दोनों की अपेक्षा जहाँ व्यंग्य अतिशय हो वह काव्य उत्तम काव्य। और ये जो उत्तमोत्तम है इसकी व्याख्या थोड़ा कीजिए। जो उत्तमोत्तम पहला जो भेद किया आचार्य पंडित राज जगन्नाथ ने क्या है, यत्र प्रथमम, अभी थोड़ा लाइन नहीं उठ रही है मुझसे, चलिए बाद में बात कर लेंगे। शब्दार्थो यत्र गुणी भावित आत्मानो शब्दार्थो यत्र गुणी भावित आत्मानो, शब्द और अर्थ यही मैंने उत्तम काव्य में बताया भी कि शब्द शब्द अपने अर्थ को गौण बना ले और अर्थ अपने स्वरूप, तो शब्द और अर्थ जहां दोनों गौण हो जाए, शब्दार्थो यत्र गुणी भावित आत्मानो कमप्य अर्थम कमपि चमत्कार कारी अर्थम यंतः व्यंजनया प्रतिपादयतः तत्काव्यम उत्तमोत्तमम प्रथमम काव्य, वह उत्तमोत्तम काव्य कहे जहां पर शब्द अपने अर्थ को अर्थ अपने स्वरूप को गौण बनाकर उस चमत्कारकारी अर्थ को व्यक्त करे वह काव्य उत्तमोत्तम अर्थात आज पहला काव्य उत्तमोत्तम काव्य। जी तो धन्यवाद। प्रश्नोत्तर रूप से यह जो व्याख्यान हुआ अत्यंत उपादेय रहा। मैं आचार्य जी को इस कक्षा के लिए कृतज्ञता समर्पित करता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और काव्य भेद विचार के विषय में सुष्ठु व्याख्यानम तैः अकारि अतः तेभ्यः आधमर्ण्यं प्रकटयामः। इदानीम् अहं साधनां सूचयामि यत् असौ शोधार्थीनाम् उपस्थितिं स्वीकुर्यात् इति। धन्यवादाः शुक्लमहोदयः, भवतां व्याख्यानेन वयं सर्वेपि उपकृताः। अस्तु इदानीम् उपस्थितिं स्वीकुर्मः। व्याकरणविभागे दीपक वात्स्यः पुनः लोकेश कुमार झा यदि सन्ति चेत् तर्हि हस्तम् उत्थापयन्तु। लोकेश कुमार झा और दीपक वात्स्य हो तो आप लोग हैंड रेज कर लें। सर रिकॉर्डिंग अब आप स्टॉप कर दीजिए।